Mr. Imran Ismail to address the audience. Thank you. A'udhu billahi minash shaitani rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Janab Zubair Motiwala sahab, Patron in Chief. Abdul Hadi sahab, President. Riazuddin sahab, Laik Ahmed sahab, Administrator KMC. Abdul Qadir Bilwani sahab, Zubair Habib sahab, Javed Bilwani sahab, Salim Parekh sahab, Yunus Bashir sahab, Mubin sahab, Chief Fire Officer. Distinguished guests, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. मुझे बड़ी खुशी है कि जो आइडिया यहाँ पे कंसीव हुआ था पार्टनरशिप का फायर डिपार्टमेंट के साथ, वो आज पाए तकमील तक पहुँचा है और साइट एसोसिएशन पहली वो एसोसिएशन है जिसने अपने वादे के मुताबिक ये शेड्स बना के आज इफ्तिताह कर रहे हैं. हम उससे आगे थे, यानी अब तक किसी ने नहीं किया. हमने अपनी डिलीवरी दी, लेकिन साइट एसोसिएशन ने आज पहली दफ़ा ये काम किया, तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. बहुत सारी बातें हुई जी. मैं सबसे पहले तो लईक अहमद साहब का आपसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा दूं कि इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सन और वी आर लकी कि हमें एडमिनिस्ट्रेटर कराची इतना डायनामिक और कराची से मोहब्बत करने वाला शख्स मिला है. तो लेट्स यूज़ हिम एट फुल. हम इनके साथ भी दें और इनको इस्तेमाल भी करें. जहाँ तक रोड की बात है, ये वाकई मैं जो 3 साल पहले आया था पहली दफ़ा यहाँ साइट और उसके बाद से मुसलसल मैं आता रहा, तो वो रोड अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब ही हुई है, उससे कोई बेहतरी नहीं आई उसके अंदर. तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी सिंध गवर्नमेंट से कि ख़ास तौर से हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, ये बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है कि अगर हम इसकी इस रोड की मुरम्मत करा दें और इसको बना दें तो उससे बहुत सारे मसाइल हल होंगे. हालात ऐसे हैं कि अगर कोई बायर पाकिस्तान आए भी तो शायद ये लोग अपनी फैक्ट्री लाना पसंद ना करें, उसको कहीं और ही मिल लें, कहीं डिफेंस में, क्लिफ्टन में या किसी बड़े होटल में, कि यहाँ पर आने से शायद वो परेशानी हो जाए कि इस हालात में काम कैसे होगा. तो हमें अपनी इंडस्ट्री की तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए. हमने मंगोपी रोड बनाई थी, जाम चाकरो रोड हम बना रहे हैं SIDCL से. दोबारा मैंने प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेके उसका अफ्तिताह भी कर दिया, वो रोड भी बन जाएगी. ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट आपके सामने है, इंशाल्लाह अगस्त से पहले पहले उसका अफ्तिताह हो जाएगा. उसकी बस मास ट्रांजिट सिस्टम, वो भी एक हमारी जो इंडस्ट्रियल एरिया है इसको सर्व करेगा. इनके लेबर के लिए बड़ी मुनासिब सहूलत उनको मिल जाएगी, एक इज्जत के साथ वो बस में बैठ के. वो ये आम बस नहीं है, आर्टिकुलेटेड बसेज हैं और बहुत ही खूबसूरत बसेज ये हैं. और इसमें खुशखबरी ये है कि इसकी जो प्रोटोटाइप है वो तैयार हो गई है इंस्पेक्शन के लिए. कल से परसों 2 दिन के अंदर उसका इंस्पेक्शन हो जाएगा और फिर ये बसें बनना शुरू हो जाएंगी और फौरी तौर से ये डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएंगी. ये कराची का पहला मास ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट होगा जो इसके साथ इसके ऑरेंज लाइन जो कि सिंध गवर्नमेंट कर रही है वो भी इसके साथ जोड़ दी जाएगी. और ये एक बड़ी सहूलत मिल जाएगी हमारे लेबर को और हमारे ऑफिस क्लास को, जो एक सस्ती और बेहतरीन सवारी उनको मिल सकती है. जहाँ तक ज़ुबैर भाई आपने गैस का कहा, मैं इसमें आपके साथ बिल्कुल आपके साथ मिल के कराची की जंग लड़ने के लिए तैयार हूँ. हम एक मीटिंग रख लेते हैं, हम वज़ीर आज़म साहब के पास इस्लामाबाद चले जाते हैं अपनी SILC को लेकर और 1 पॉइंट एजेंडा ऑन गैस सप्लाई ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर हम प्राइम मिनिस्टर के साथ PM ऑफिस में एक मीटिंग रख लेते हैं. उसमें हमाद अज़हर जो हमारे नए एनर्जी मिनिस्टर आए हैं, पावर मिनिस्टर, वो ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन और वो ख़ुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वो आपकी बात जल्दी समझेंगे भी और वो एक्शन भी फौरी तौर से लेते हैं. इज़ अ स्टार परफॉर्मर इन PTI गवर्नमेंट. तो हमाद अज़हर को भी वहाँ पर बुला लेंगे और ताबिश गौहर वगैरह जो भी इसके साथ रिलेटेड लोग हैं उन्हें वहाँ पर बुला लेंगे. ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कोई प्राइम मिनिस्टर से टाइम लेके आपको वहाँ पर भेजूंगा. दूसरी चीज़ ये कि हमारी जो SILC है, सिंध इंडस्ट्रियल लेजोन कमेटी जो हमारी बनी है, वो मैं समझता हूँ कि वो एक बेहतरीन किरदार अपने अदा कर रही है. कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पर, आइडिया ये था कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस्लामाबाद जाते हैं मिनिस्ट्रियों के काम से, वो दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ
टाइम एंड मनी, यानी यहाँ से उनका उठ के इस्लामाबाद जाना, फिर जाके वो वहाँ बैठते हैं, फिर उसके बाद उनकी मुलाकात होती है, फिर वो कहते हैं 2 दिन बाद दोबारा मिलेंगे, तो वो फिर 2 दिन के बाद जाते हैं या वहीं रुकते हैं, और उसमें जो उनकी एनर्जी फोकस जो प्रोडक्शन पे होनी चाहिए वो उनकी हट जाती है, वो छोटे छोटे कामों पे लग जाते हैं। ये जब हमने वज़ीर आज़म से बात की तो ही ऑल्सो अप्रिशिएटेड द आइडिया, और हम सारे जो वफाकी वज़रा हैं, जब हमें किसी की कंप्लेन आ जाती है किसी भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की, तो हम गवर्नर हाउस में वफाकी उन वज़ीर को बुला लेते हैं, उनके सेक्रेटरी को बुला लेते हैं, और वो वहीं पर कोशिश करते हैं कि इनके मामलात और इनके प्रॉब्लम्स वहाँ पर सॉल्व कर पाएँ। मेरी ख्वाहिश है कि हम इसको मज़ीद आगे ले जाएँ, मज़ीद मजबूत करें इस बॉडी को, ताकि ये एक इंस्टीट्यूशन बन जाए अपनी ज़ात में खुद, और इसे किसी एक शख्स की ज़रूरत ना हो। कल अगर इमरान इस्माइल ना हो तो भी ये SILC जो है वो अपनी जगह एक मज़बूत इदारा हो जो आगे चल पाए उसको लेकर। एक और चीज़ मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि जो अभी लईक ने भी जिस तरह आपको इशारा किया कि टैक्सेशन तो ज़ुबैर भाई टैक्स तो देना पड़ेगा, बिल्कुल उसमें प्लीज़ आपकी मदद हमें ये चाहिए कि अगर आप लोग उसको जो लोग टैक्स नहीं देते, क्योंकि ये होता ही है कि सब उसको समझते हैं कि तो बेकार है ना, KMC वाले मांगने आते हैं, ना देने की ज़रूरत है, और खुदा ना खासा जब आग लगती है, जब उसमें फंसते हैं, तो फिर वो टैक्स पे करते हुए बुरा लगता है कि वो 1 करोड़ रुपये हो गया कि 50 लाख रुपये हो गया, और वो फिर वो एक मज़लूम कैफियत भी होती है, क्योंकि आपकी इमलाक को नुकसान पहुंच चुका होता है, आपकी फैक्ट्री को आग लग चुकी होती है, और फिर वो आगे से टैक्स मांग रहे होते हैं, तो वो सारी सिंपथीज आपके साथ ज़रूर आ जाती हैं, लेकिन उस तरफ देखें कि फिर KMC को हम रन कैसे करें, चलाएं कैसे KMC को अगर टैक्स ना मिले, तो लिहाजा तो उस तरफ थोड़ा सा आपकी मैं मदद चाहूँगा। अभी पैसे देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस कलेक्ट होता है उनके ऊपर, क्या नाम है उसका, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, किस पे यूज होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं। 57 अरब रुपए पिछले साल कलेक्ट हुआ, हिसाब दे दें कि भाई क्या एक्साइज रिपोर्ट के ऊपर, एवरी इंपोर्ट विच लैंड्स इन कराची अट्रैक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, और हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, फायर फाइटिंग की बात कर रहे हैं, यही यूटिलाइज होना चाहिए। तो इसका ये कर लेते हैं, अली जैदी साहब आजकल कराची में है, कल या परसों में ही हम एक SILC की मीटिंग रख लेते हैं, अली जैदी साहब को बुला लेते हैं, और आप उनसे इसका हिसाब मांग लीजिएगा। लेकिन हर टैक्स की अपनी हिफाजियत है, जहाँ पे टैक्स नहीं होगा, जहाँ पे टैक्स नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस अगर आप पोर्ट को देते हैं तो KMC का क्या कसूर है कि KMC को आप नहीं टैक्स देते हैं, तो वो टैक्स हमने क्यों, जिसका भी टैक्स हो, हमने, मेरी ख्वाहिश ये है कि हम अपनी टैक्सेशन को भी पूरा करें, ताकि जब हम बैठें कहीं पर बात करने के लिए तो हमारा भी बिल्कुल फख्र से हम बैठें कि जी हम टैक्स पेयर्स हैं और हम पूरा टैक्स दे रहे हैं, तो हम इसके अलावा हमसे आपको क्या चाहिए, तो हम बात करने के काबिल भी होते हैं। वन लास्ट थिंग जी, कि ज़ुबैर भाई आपने जो बात की, तो आप मुझे हमेशा जब भी मैं आपके पास आता हूँ आप मेरे ताल्लुकात चीफ मिनिस्टर से ख़राब करा देते हैं, और फिर बड़ी मुश्किल से मेरे वो वापस बनते हैं। ये आप हमेशा यहाँ डिमांड करते हैं कि कराची को वफाकी उसमें होना चाहिए, फेडरल सिटी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम अगर इस शहर को तवज्जो ना दे पाएँ, अगर इस शहर की तरफ हम मोहब्बत ना दे पाएँ, इस शहर को वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसकी जो इसका हक है, ये कोई आसान नहीं है इस शहर के ऊपर, इस शहर का हक है कि इसको पाकिस्तान का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर को मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन है कराची। अगर हम वो ना दे पाएँ तो फिर इस तरह की डिमांड्स रेज होती हैं। हम एक बार फिर मिल के इसको ज़ोर लगाते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात करते हैं, वज़ीर आज़म साहब से भी बात करते हैं, कि जो हमारे जो की इश्यूज़ हैं कराची के, और मांग क्या रहा है कराची, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने हिस्से की गैस, अपने हिस्से की बिजली, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांगी जा रही पूरे मुल्क से, जो कि पूरे मुल्क में राइज ना हो, कराची में हो। एक ज़माने में कराची की एग्जाम्पल, इसी तरह जैसे आज हम लाहौर की एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसी एग्जाम्पल कराची की पंजाब में दी जाती थी कि कोई शहर देखना है तो कराची चलिए, रोशनियों का शहर कराची, रोशनी देखने लोग कराची आया करते थे। और अब वो कराची हो गया कि अगर हम पंजाब में किसी को कहते हैं कि कराची आ जाओ, तो वो कहते हैं नहीं, गंदा बहुत है, वहाँ पर नहीं जाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बात ये भी हकीकत है कि कराची जिस खाक व खून से निकला है पिछले 30 साल में, जो कराची ने देखा है, बोरीबंद, लाशें, भत्ता, पर्चियाँ, आपकी इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज़्यादा ये काम होता रहा है,
आप लोगों ने अपनी इंडस्ट्री आना छोड़ दिया था कि रास्ते में प्रॉब्लम होती है, पर्ची मिलती है, भत्ता होता है, बुलेट आती है उसमें लिफाफे के अंदर, उससे अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बाहर निकल आए हैं। और अब हम छोटी सी चीज़ पर हम बैठे ज़ुबैर हबीब की खिंचाई कर रहे हैं कि मोबाइल स्नैच हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये खुशखबरी है कराची के लिए कि बोरी बंद लाशों से हम मोबाइल स्नैचिंग पर आ गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ अल्लाह ने हमारे लिए की। और ये बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है कि कराची जैसे मैग्नीट्यूड का शहर जब तक स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट नहीं होगा, जो मर्जी पुलिस आप लगा लें, जितनी मर्जी आप फौज इसके अंदर उतार लें, आप हर गली के अंदर तो आप फौजी और पुलिस वाला नहीं खड़ा कर सकते। तो जब तक आप इसके अंदर कराची को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्राइम रेट नीचे नहीं आएगा। दिस द क्राइम रेट जो कराची में इस वक्त मौजूद है, वो भी मैं समझता हूँ कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, रेंजर्स है और दूसरे हैं, उनकी बड़ी मेहनत के बाद ये यहाँ पर मौजूद है। वरना इतने बड़े मैग्नीट्यूड के शहर जिसके अंदर कितने पुलिस वाले आप लगा लेंगे, हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एक दो पुलिस वाले लगा दें, हर घर पे दो पुलिस वाले रख दें, हर गली के अंदर चार पुलिस वाले रख दें, तो ये मुमकिन नहीं है कराची के अंदर। तो हमें इस कराची को हर हाल में हमें इसको स्मार्ट सिटी की तरफ ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे कैमरों का लगाना, उनकी मॉनिटरिंग करना, ये अवॉइडेबल नहीं है। मैंने आपका देखा था जो आपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर साइट ने बनाया, बहुत ही खूबसूरत बनाया। और वाकई ऐसे ही कराची में लोगों को सामने आके करना पड़ेगा। जहां हमारी हुकूमत की कमज़ोरी होती है, वहां हम हुकूमत को उस पर कोशिश करेंगे कि उन्हें इस चीज़ का अदराक कराएं और उनको उनके साथ मिलकर भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। और जहाँ पर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये काम कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम ज़रूर इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करेंगे। और साइट लिमिटेड साइट एसोसिएशन इज लीडिंग बाय एग्जांपल, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन्होंने बनाया, बाकी इंडस्ट्रियल एरिया भी इसी तरह इसको बनाएं और आकर देखें इसको कि कैसे इन्होंने यहाँ पे इसको चला रहे हैं, जिसकी वजह से क्राइम रेट बहुत काबू हुआ है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ पर बुलाया, इज्जत दी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे हम जो नेक्स्ट काम करने जा रहे हैं, जिसमें हम मोबाइल हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं, वो मोबाइल हॉस्पिटल भी हम आपके साथ मिलकर इसी तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आपके पास यहाँ साइट में खड़े करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच गवर्नर साहब। अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो फायर के हैं चीफ मुबीन अहमद साहब, वो आ गए हैं, उनको अप्रिसिएशन के लिए एक शील्ड पेश की जाएगी।